बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें किसी की निजी ज़िंदगी से कोई गर्ज नहीं है। हर शख्स अपने लिए जीता है। अल्लाह ने दो रास्ते बता दिए, एक भलाई का और एक बुराई का। एक वो रास्ता जिस पर चलते हुए अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है, अल्लाह जन्नत अता करेंगे। दूसरा वो रास्ता जो शैतान के पीछे चलाता है और नतायज जहन्नम की सूरत में मिलते हैं। एंड तक देखिएगा मनासिर। यहाँ आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, नोटिफिकेशंस भी ऑल पे सेलेक्ट कर दें। तो म्यूज़िक सुनना, इस पर नाचना गाना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इस काम से मना फरमाया। बल्कि एक सहाबी यूँ जिक्र करते हैं कि आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम एक जगह से गुजर रहे थे कि बांसुरी की आवाज़ इनके कान में पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने दोनों कानों में उंगलियाँ देकर बाद में उस सहाबी से पूछा कि क्या ये आवाज़ ख़त्म हो गई। तो उन्होंने कहा कि जी या रसूलल्लाह, ये ख़त्म हो गई। फिर आपने कानों को खोला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमान है कि इस तरह म्यूज़िक सुनने वालों और गाने बजाने वालों और सुनने वालों को कान में सीसा पिघला कर डाला जाएगा। तो अब नाचने गाने वालों और इस तरह की हरकतें करने वालों का किसके पीछे चलना बना? शैतान के पीछे या रब की खुशनुदी के लिए? दोनों चीज़ें हमारे हाथ में हैं। हम नाचेंगे गाएंगे, वक्ती हमें शायद खुशियां मिल जाएं, मगर रब की नाफरमानियां करके उसी की तरफ से अता की गई खुशियां हम भला उसकी खुशनुदी के साथ क्यों कर नहीं मनाते? होना तो ये चाहिए था कि उसके हुजूर सजदा रेस हुआ जाता, मगर हम तो कमज़र्फ निकले। बेशक शैतान ने हमें वरगला डाला। तो वीडियो के मुतालिक राय दीजिए, इसे दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, नोटिफिकेशंस भी ऑल पे सेलेक्ट कर दें।